हेलो एवरीवन, आई एम अवंतिका चावला। आज का जो हमारा वीडियो है वो है रक्षाबंधन स्पेशल पे। तो यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि आपको ये राखी 30th अगस्त ऑफ 2023 सेलिब्रेट करनी है या 31st अगस्त ऑफ 2023 करनी है। तो एक्चुअली में हम ये राखी दोनों ही दिन पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइमिंग्स अलग हैं। तो हमारा जो ये राखी का पर्व है वो हमारा पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो सावन की पूर्णिमा होती है। तो जो वो जो 30th को शुरू हो रही है वो 10:58 पे हो रही है, और उसी के साथ भद्रकाल लग रहा है, और ये ख़त्म होता है 9:01 पे 30th अगस्त 2023 को। तो इस भद्रकाल में कहा जाता है कि राखी बांधना बहुत ही अनऑस्पिशियस है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि इस टाइम पीरियड पे रावण की सिस्टर ने उसे राखी बांधी थी, और एक साल के अंदर ही पूरा का पूरा उसका लाइफ ख़त्म हो गया था, उसकी फैमिली लाइफ ख़त्म, उसका साम्राज्य ख़त्म, और उसका कुल भी ख़त्म हो गया इस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो भद्रकाल बहुत ही अनऑस्पिशियस बोला जाता है। हुआ क्या था कि जो शनि देव की जो सिस्टर है भद्रा, उसको ब्रह्मा जी ने कर्ज किया था कि जो भी भद्रकाल में कोई भी ऑस्पिशियस काम करेगा तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। तो तब से हम कोई भी अच्छा काम, कोई भी मंगल काम उस टाइम पीरियड में नहीं करते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। तो जो हमारा इस 30th अगस्त को, जब हमारा भद्रकाल 9:01 को रात को ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हम राखी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और फिर जो ये पूर्णिमा हमारी है, जो पूर्णिमा तिथि है, ये हमारी 2 दिन एक्सटेंड हो रही है। तो जब वो 10:58 से शुरू होती है 30th अगस्त के, तो वो 31st अगस्त की 7:05 पे ख़त्म हो रही है मॉर्निंग के। तो आप 31st अगस्त को मॉर्निंग में 7:05 से पहले राखी बांध सकते हैं, और 30th अगस्त को रात को 9:01 के बाद राखी बांध सकते हैं। इसलिए बांधी जाएगी क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है वो ब्रदर सिस्टर की बॉन्डिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाता है, और इससे बहुत सारा फॉर्चून आपके ब्रदर की लाइफ में आएगा, और आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू विल सी द मैजिक ऑफ सेलिब्रेटिंग द सेक्रेट बॉन्ड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अबंडेंट।